हेलो स्टूडेंट्स, आई एम बीके उपाध्याय, फैकल्टी ऑफ बायोलॉजी। सो टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट न्यू चैप्टर ऑफ बायोलॉजी, दैट इज नेचुरल रिसोर्सेस। तो नाउ लेट अस स्टार्ट इंट्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस। एज यू नो, मैनी टाइप्स ऑफ प्लैनेट्स इन विच प्लैनेट अर्थ इज अ होम ऑफ मैनी डाइवर्स फॉर्म ऑफ लाइफ। ओके, अर्थ इज ओनली प्लैनेट विच प्रोवाइड्स फेवरेबल कंडीशन फॉर सर्वाइवल ऑफ वेरियस फॉर्म ऑफ लाइफ। सच कंडीशन प्रेजेंस ऑफ लाइफ सपोर्टिंग गैसेस, प्रेजेंस ऑफ एयर, वाटर, फूड, एप्रोप्रिएट टेम्परेचर एक्सेट्रा। मीन्स प्लेनेट अर्थ इज ए होम ऑफ मैनी डाइवर्स ऑफ लाइफ। कि जो प्लेनेट अर्थ है, अर्थ ही एक ऐसा प्लेनेट है जिसमें डिफरेंट टाइप आपके डिफरेंट वेराइटी के लिविंग ऑर्गेनिज्म पीसफुली रह सकते हैं। बिकॉज अर्थ प्रोवाइड्स फेवरेबल कंडीशन फॉर सर्वाइवल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक गैसेस, प्रेजेंस ऑफ एयर, वाटर, फूड एंड एप्रोप्रिएट टेम्परेचर। क्लियर? द पार्ट ऑफ द अर्थ व्हिच सपोर्ट एग्जिस्ट ऑफ लाइफ, मतलब अर्थ का वह पार्ट जो लाइफ के लिए सपोर्ट करता है, उसको हम बोलते हैं बायोस्फीयर। बायोस्फीयर मीन्स क्या होता है? द पार्ट ऑफ द अर्थ व्हिच सपोर्ट एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ। बायोस्फीयर कवर्स ऑल द पार्ट्स ऑफ अर्थ फ्रॉम ओशियन टू लैंड। बायोस्फीयर का कवर करता है ऑल द पार्ट्स ऑफ अर्थ, अर्थ के पार्ट्स को कवर करता है जिसमें ओशियन बेड एंड लैंड आर अवेलेबल। बायोस्फीयर अकर इन ऑल दोज रीजन। बायोस्फीयर कहाँ पे पाया जाता है? बायोस्फीयर अकर्स इन ऑल दोज रीजन व्हेयर लिथोस्फीयर एंड हाइड्रोस्फीयर इंटरेक्ट। मीन्स बायोस्फीयर उस रीजन में पाया जाता है जहाँ पे लिथोस्फीयर एंड हाइड्रोस्फीयर इंटरेक्ट होते हैं एक दूसरे से। लिथोस्फीयर मीन्स क्या होता है? लैंड पार्ट ऑफ द अर्थ, अर्थ का वह पार्ट जो लैंड से कवर्ड है। एंड हाइड्रोस्फीयर वाटर एंड एयर। हाइड्रोस्फीयर कवर्स मतलब अर्थ का 75% पार्ट जो है ये वाटर से कवर होता है। मीन्स 75% ऑफ द अर्थ कवर्ड विथ हाइड्रोस्फीयर। बायोस्फीयर इंक्लूड्स टू कंपोनेंट्स लाइक बायोटिक कंपोनेंट्स एंड एबायोटिक कंपोनेंट। अब बायोटिक कंपोनेंट्स मीन्स क्या होता है? बायोटिक कंपोनेंट्स में हम लिविंग थिंग्स को स्टडी करते हैं, तो इसको बोलते हैं बायोटिक कंपोनेंट्स कंप्राइज लिविंग बींग्स लाइक एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स। एंड ये बायोटिक कंपोनेंट्स मीन्स इट कंप्राइजेस नॉन लिविंग थिंग्स। बायोटिक कंपोनेंट्स के थ्रू हम स्टडी करते हैं नॉन लिविंग थिंग्स का लाइक सॉयल, एयर, माउंटेन, रॉक्स एक्सेट्रा। अंडरस्टूड? अब नेक्स्ट पॉइंट होता है आपका नेचुरल रिसोर्सेस। नेचुरल रिसोर्सेस है क्या? द नेचुरल रिसोर्सेस प्रोवाइड्स मैनी यूजफुल मटीरियल्स टू दियर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। मीन्स नेचुरल रिसोर्सेस आर दोज द थिंग्स डैट गेट फ्रॉम नेचर, मतलब वो थिंग्स, वो मटेरियल्स जो हमको नेचर के थ्रू प्रोवाइड होते हैं उनको हम नेचुरल थिंग्स कहते हैं। अब व्हिच टाइप ऑफ थिंग्स वी गेट फ्रॉम नेचर लाइक सॉयल, एयर, वाटर एक्सेट्रा। नेचुरल रिसोर्सेज में भी लिविंग एंड नॉन लिविंग, बायोटिक एंड एबायोटिक दोनों कह सकते हैं, चाहे लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। अब एंड नेचुरल रिसोर्सेज में आल्सो बायोलॉजिकल रिसोर्सेज
मे बी बायोलॉजिकल रिसोर्सेज मीन्स और नॉन बायोलॉजिकल रिसोर्सेज. बायोलॉजिकल रिसोर्सेज मीन्स लिविंग थिंग्स एंड नॉन बायोलॉजिकल मीन्स फिजिकल रिसोर्सेज. ओके, अब टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ अबंडेंस या अवेलेबिलिटी. नेचुरल रिसोर्सेज आर टू टाइप्स इन विच फर्स्ट वन इज इन एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज, सेकेंड एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज. इन एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज मीन क्या होता है? द रिसोर्सेज विच प्रजेंट इन द अबंडेंस, मतलब वे रिसोर्सेज वे थिंग्स जो हमको बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मिलते हैं एंड आर नॉट लाइकली टू गेट एग्जॉस्टेड डिस्पाइट कंटिन्यूस यूज. मीन्स जिसको हम अगर बार बार कितना भी यूज करें लेकिन फाइनली वो ख़त्म नहीं होते हैं. फॉर एग्जाम्पल एयर, वाटर, सोलर एनर्जी एक्सेट्रा, ऑल दीज थिंग्स आर नेवर लॉस्ट या ऑल दीज थिंग्स आर नेवर एग्जॉस्टेड आफ्टर कंटिन्यूस यूज. सेकेंड है एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज. एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज आर दोज दैट आर अवेलेबल इन लिमिटेड क्वान्टिटी, मतलब एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज वो थिंग्स जो बहुत लिमिटेड क्वान्टिटी में मिलते हों और जिसको अगर हम बार बार यूज करते हैं और बार बार यूज करने के बाद में फाइनली अगर वो एग्जॉस्टेड हो जाते हैं, मतलब ख़त्म हो जाते हैं, तो उसको बोलते हैं एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज. एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज आर टू टाइप्स इन विच फर्स्ट वन इज रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड सेकेंड इज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. रिन्यूएबल रिसोर्सेज मीन्स क्या होता है? रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर वंस विच कैन बी रिप्लेस्ड बैक आफ्टर दियर यूज, मतलब रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज आफ्टर यूजिंग वंस इट कैन बी रिप्लेस्ड बैक आफ्टर दियर यूज, मतलब इसको एक बार यूज करने के बाद में हम अगेन यूज करें, इसको बोलते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज. फॉर एग्जाम्पल फॉरेस्ट, अंडरग्राउंड वाटर, सॉयल, वाइल्ड लाइफ एक्सेट्रा. सपोज एग्जाम्पल लेते हैं अंडरग्राउंड वाटर, एक ऐसे रिन्यूएबल होता है. सपोज हम किसी एक बेल का एग्जाम्पल लेते हैं, कुआं का. बेल में देखते हैं कभी कभी अगर वाटर को कंटिन्यूस यूज किया जाता है, फाइनली क्या होता है, एक टाइम आता है वो वाटर ख़त्म हो जाता है. लेकिन आफ्टर फ्यू डेज या आफ्टर सम टाइम्स वी कैन ऑल्सो सीन हियर वाटर अगेंस्ट फिल्ड इन द बेल, मतलब बेल में वाटर अगेन फिलअप कर जाता है. तो दीज आर रिन्यूएबल रिसोर्सेज. एंड सेकेंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर वंस विच कैन नॉट बी रिप्लेस्ड बैक आफ्टर दियर यूज. दीज रिसोर्सेज वुड गेट एग्जॉस्टेड वन डे आफ्टर दियर कंटिन्यूस यूज. फॉर एग्जाम्पल कोल, पेट्रोलियम, मिनरल्स, फॉसिल फ्यूल्स एक्सेट्रा. मीन्स नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो होते हैं अगर इसको हम कंटिन्यूस यूज करते हैं तो ये क्या होते हैं, फाइनली ख़त्म हो जाते हैं. लेकिन एग्जाम्पल लेते हैं या कह सकते हैं इनको रीयूज करने के लिए, इनका फॉर्मेशन होने के लिए मिलियन ऑफ टाइम्स लग जाता है, जैसे पेट्रोलियम, मिनरल्स एक्सेट्रा. ओके, आई थिंक यू ऑल अंडरस्टैंड दिस पॉइंट्स. इफ यू हैव एनी पॉइंट, एनी डाउट, यू कैन आस्क मी.